अब कोई रियायत ना दी जाए। हुकूमत 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करे तो भरपूर मुखालफत की जाए। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी की भी मुखालफत की जाए। सेनेट का कंट्रोल भी अपने हाथ में लिया जाए। ये सब तजावीज दी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने। इजलास में शरीक राय ने बताया कि आसिफ जरदारी काफी जारहाना मूड में थे। उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि अभी मौसम ठंडा है, लेकिन जैसे ही मौसम बहार शुरू हो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी जाए। मौसम साजगार होगा और आवाम सड़कों पर आने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। राय के मुताबिक इजलास में इत्तफाक किया गया कि मौजूदा मुआशी बहरान की वजह बाज़ इदारों का जम्हूरी निज़ाम को कमजोर करना है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को गिराना बेहतर हल नहीं। मुल्की मसाइल के देरपा हल के लिए सिविलियन बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने मौजूदा हालात के मुताबिक मिसाके जम्हूरियत की तर्ज पर नया मुआहदा करने का फैसला भी किया है। राय के मुताबिक ये भी तय पाया कि हुकूमत के लिए हर सतह पर मुश्किलात खड़ी की जाएंगी और किसी मामले में तआवुन नहीं किया जाएगा। अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।